नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए। नमस्कार, क्रिकेट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरदीप श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों पर जो क्रिकेट जगत की सुर्खियों में छाई रही। गांगुली बोले, धोनी के बगैर खेलने की आदत डाले टीम इंडिया। टीम इंडिया के पूर्व महान बल्लेबाज और कप्तान रहे सौरव गांगुली ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जब टीम इंडिया को धोनी के बगैर खेलने की आदत डालनी होगी। गौरतलब है कि धोनी ने 2 महीने का क्रिकेट ब्रेक लिया है। इस दौरान उन्होंने 15 दिन की आर्मी ट्रेनिंग भी की। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर में होने वाली दक्षिण अफ्रीका की सीमित ओवर की क्रिकेट सीरीज में धोनी टीम का अहम हिस्सा हो सकते हैं। रोहित को टीम से बाहर रखने पर विराट ने दी सफाई। एंटीगुआ टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा को टीम से बाहर रखने पर विराट कोहली की काफी आलोचना हुई थी। पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इसके लिए उन पर निशाना साधा था। हालांकि अब इस मामले पर भारतीय कप्तान ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने ये फैसला टीम के हित में लिया था। पंत के खेल से सहवाग नाखुश, दी अहम सलाह। टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ऋषभ पंत की खराब बल्लेबाजी को लेकर उन पर हमला बोला है। सहवाग ने कहा है कि धोनी के उत्तराधिकारी के तौर पर पंत को देखा जा रहा है और अब उन्हें कई मौके मिल भी रहे हैं, लेकिन वो अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पंत की खराब शॉट सिलेक्शन को लेकर उनके खिलाफ नाराजगी दिखाते हुए कहा कि उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर काफी हद तक सुधार करना होगा। मुंबई की टीम में शामिल हुए अर्जुन तेंदुलकर। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का सिलेक्शन मुंबई की टीम में हुआ है। 5 सितंबर से शुरू हो रहे बापूना कप के लिए अर्जुन तेंदुलकर का सिलेक्शन मुंबई की टीम में हुआ है। इस बात की जानकारी खुद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर दी है। मिस्बा ने किया कोच पद के लिए आवेदन। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाज रहे मिस्बाहुल हक ने टीम का हेड कोच बनने के लिए आवेदन किया है। पहले से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मिस्बा कोच पद के लिए आवेदन करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया था, लेकिन पीसीबी क्रिकेट समिति से इस्तीफा देकर मिस्बा ने औपचारिक तौर पर हेड कोच के लिए आवेदन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।